खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाओं का दर्द नहीं सुन रहा कोई। मंडला, एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की बात करते हुए नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। ऐसा ही मामला मंडला जिले की ग्राम पंचायत करंजिया के अंतर्गत ग्राम बिरसा का है, जहां हेलोन परियोजना का बांध बनाया जा रहा है। जहां ग्राम बिरसा की लाडली बहनाओं ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई, वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि हम बिरसा के लोग दशकों से इस दंश को झेल रहे हैं, लेकिन नेताओं से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब तो करो या मरो की स्थिति बन गई है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार करते हुए आंशिक जल सत्याग्रह किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने भेदभावपूर्ण विस्थापन किया है, हम लोगों की खेती की जमीन को पूर्ण तरह से अधिग्रहण कर लिया गया है, हमारे मकानों को अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को जीवन यापन में परेशानी हो रही है। वहीं पूरा गांव भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और तो और बिरसा ग्राम में शमशान की भूमि तक ग्रहण कर ली गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के आश्वासन पर हमने वोटिंग की, पर आज तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हम लोग आंशिक जल सत्याग्रह करते हुए आगामी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम सभी ग्रामीण अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह किया जाएगा। बिरसा ग्राम की महिलाओं ने रो रो कर अपनी बात मीडिया के सामने कही कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनाओं के आंसू पोंछते हैं कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में इन लाडली बहनाओं के आंसू का सैलाब कहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर न बहे। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। हमारे यहाँ हलोन बांध बन गई है तो हमारे बच्चे भूख में मर रहे हैं और हम लोग भी भूख से मर रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है। हम बाहर नहीं जा सक रहे हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं जा सक रहे हैं। और हमारे गांव में बस घर बस है हमारी, हमारे मकान बचा है, इसके बाद हमारे कोई जमीन खाने पीने के लिए कोई जमीन नहीं बचा है। और अगर हमारी अचानक तबीयत खराब हो गई तो हम यही तड़पते रहते हैं, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। और हम महिलाएं डिलीवरी होते समय भी हम बाहर नहीं जा सकते, और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी साधन नहीं है। और खत्म भी हो गई हमारे यहाँ तो उसकी मिट्टी देने के लिए कोई स्थान नहीं है। जनता यहाँ जल में सत्याग्रह कर रहे हैं, इसके कारण है कि यहाँ जो एक हलवान बांध बनाया गया है शासन के द्वारा, जिसमें हमारे गांव बिरसा का संपूर्ण भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है, परंतु एक छोटा सा टापू जहां मकान बने हुए हैं उसको छोड़ दिया गया है, जबकि हलवान जलाशय से वो चारों ओर घिर गया है। और उसका मुआवजा मकान का अधिग्रहण करके हमारे गांव को नहीं मुआवजा नहीं दिया गया मकानों का, इसलिए हम जल सत्याग्रह की आंशिक जल सत्याग्रह अभी वर्तमान में किए हैं, भविष्य में इसका पूर्ण सत्याग्रह करेंगे। हमको शासन द्वारा 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया गया था, उस 80,000 एकड़ में हमको एक डिसमिल जमीन बाहर जाते हैं तो नहीं मिलता। पैसा एक्ट कानून के तहत जो हमको प्रस्ताव का अधिकार दिया गया है, उस प्रस्ताव लेकर के हमने यह प्रस्ताव किया गया है कि उसके 80,000 रुपए एकड़ जो पैसा दिया उसके हम वापिस करेंगे और हमारी जमीन को सरकार हमारे वापिस कराए। ये हमारा पैसा एक्ट के तहत आज ग्राम सभा जो लिया गया उसमें हमने ये निर्णय लिए हैं। और हम आज जन सुनवाई मंगलवार के दिन कलेक्टर महोदय से भी बात किया है, तो कलेक्टर महोदय आश्वासन दी है कि मैं 15 दिवस के अंदर बिरसा करके आपकी समस्या का निराकरण करूंगी। और आज 8 दिन बीत चुके हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं,
पुलिस विभाग की टीम आया था, पुलिस विभाग की टीम ने हमसे जानकारी लिया कि आपका चुनाव बहिष्कार का कारण क्या है, तो हमने बताया कि हमारे हलवन जलाशय से चारों ओर घिर गया है और इस छोटा सा टापू को अधिग्रहण नहीं किया है, इसी वजह से हमने स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य जो शासन की लाभ का योजना मिल रहा है उससे वंचित रहते हैं, क्योंकि आवागमन का साधन नहीं है यहाँ पर। आज प्रसव का समस्या होता है, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होता है, तो यहाँ भारी वाहन आकर के हमको सुविधा नहीं पहुंचाता, इसलिए हम यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सब बहिष्कार कर रहे हैं, शासन की कोई भी योजना लेने से बहिष्कार कर रहे हैं। किसी नहीं है आस पास, हम घेरे हैं, रात में बच्चा धरे अगर हम सोए हैं, और रात में अगर हमारे घर में अगर पानी घुल गया तो हमारा बच्चा बिल्कुल चले जाएंगे साहब, तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले लिए हैं, और आसपास से बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो पानी में ढंक जाते हैं, उनको हम लेने के लिए जा नहीं सकते, अगर तबीयत खराब हो गए तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं आते हैं साहब हमारे, हम खुद रिंगत रिंगत जाते हैं डोरा करन या तो सूजी डोरा लगवा के आते हैं, यहाँ गाड़ी घोड़े आने के भी कोई साधन नहीं है, इसके लिए घर घर है, घर बचे हैं हमारे, खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले ली से, अब हमारे खेती बाड़ी दे दे, हमारे घर नहीं ले बे तो खेती बाड़ी दे दे, हमारे बात का निर्माण किया गया है जिसमें हमारे लगभग 150 परिवार का गाँव था, जिसमें से जिनकी सब लगभग 700 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, पूरी जमीन अधिग्रहण कर लिया, खेती की एक इंच जमीन नहीं है कि किसी के पास, सिर्फ मकान भर बचा दिया गया है, शमशान की भूमि नहीं है, ना एक आधा एकड़ नहीं है गाय बछिया खड़े करने का, माने किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मकान भर की जमीन है, बस मकान बना हुआ है मात्र, बाकी पूरा और लग और पानी हमने नक्शा भी हम दिखा दिए हैं उनको, IRT से नक्शा निकलवाया गया है कि आप माने नक्शा भी देख लीजिए पोजिशन की किस टाइप से गाँव माने पानी से घिरा हुआ है, इन हमारा ये कहना है कि हमें सरकार क्यों मजबूर कर रही है इस पानी के अंदर में रहने को, हम आज 7 साल हो गए पूरा, हमारे माननीय पंडित सिंह धुर्वे आए, पहले विधायक थे जो, वो आए उन्होंने निरीक्षण किया, हमारे सांसद महोदय 2 बार आके यहाँ पे निरीक्षण किया और हमें आश्वासन दिया गया कि हमारे गाँव का पूरा विस्थापन कराएंगे, उसके बाद हमने 19 के लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने डिंडौरी से भागते हुए हमारे पास आए और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके गांव का हम विस्थापन कराएंगे, माननीय कलेक्टर महोदय जी भी, हमारे 2 कलेक्टर महोदय भी बिरसा आ चुके, उन्होंने भी चौपाल लगाया, उन्होंने भी आश्वासन दिया और वो तुम्हारे गांव को पूरा विस्थापित किया जाएगा आज, और 2018 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने बिछिया जन आशीर्वाद में आकर के बिरसा गांव को पूरा विस्थापित करने की घोषणा की, हम मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहे हैं कि आज पूरा 5 साल हो गया, हमारे मांग को क्यों सुना नहीं जा रहा है और इनके अंदर रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, हम कुछ विरोध थोड़ी कर रहे हैं सर, हम जब हमने 700 एकड़ जमीन दिया तो एक छोटा सा मकान लेने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, हमारा अब ये मांग है यदि आप हमारे मकान को अधिग्रहण नहीं करते तो आप हमें हमसे 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा वापिस लीजिए और हमारी जमीन को तुरंत खाली कीजिए, हमारा जमीन नहीं डूबना चाहिए, यदि आप हमारी जमीन को डुबाते हैं तो हमारे मकान को आपको लेना पड़ेगा, नहीं आप हमसे मुआवजा वापस कीजिए, लिस्ट बनाइए पूरे गांव का किस किस की जमीन गई है, सबसे 80,000 लेके हमारी जमीन का रजिस्ट्री पुनः करें हमारे नाम से। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।